फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ आलू के पापड़। यहाँ पर लिए हैं मैंने 4 किलो आलू, 2 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है नमक, 2 चम्मच जीरा, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को प्रेशर कुकर में 3 सीटी लेकर पका लेंगे। आलू मैंने यहाँ पर पका लिए हैं और इनका छिलका उतार लिया है। अब ये जो उबले हुए आलू हैं, इसके अंदर हम सारी चीज़ें डाल लेते हैं और अब मैं इसे मैश कर लूँगी। आलू अच्छे से पके हुए होंगे तो जल्दी से मैश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू के अंदर सारे मसाले मिक्स करके आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब आलू से मैं इस तरह से थोड़े छोटे साइज़ के गोल गोल लोए बना लूँगी। आप चाहें तो एक एक पापड़ के साथ एक एक लोया बनाएं, और अगर आप चाहते हो तो सारे लोए एक साथ बनाकर भी रख सकते हैं। ये प्लास्टिक शीट है, इसके ऊपर हम पापड़ बनाएंगे, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ इस तरह से, और इसमें हम इस तरह से लोया रखेंगे और एक प्लास्टिक ऊपर से ढक देंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्लास्टिक जिसके ऊपर मुझे पापड़ डालने हैं, इसके ऊपर भी मैंने हल्का सा तेल लगा लिया है। पापड़ हम प्लास्टिक के ऊपर तेल लगाकर डालेंगे। तो ये प्लास्टिक जिसके अंदर हमने ये लोया रखा था तेल लगाकर, इसके ऊपर एक और प्लास्टिक ढकेंगे और इस तरह से हल्का सा दबाकर पापड़ बना लेंगे। पापड़ बहुत ही अच्छे से और आसानी से बन जाएगा। ये ऊपर की प्लास्टिक हम निकाल देंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट नहीं है पापड़ सुखाने के लिए, तो आप इस तरह से शक्कर या आटे का पैकेट भी ले सकते हैं और इसके ऊपर इस तरह से पापड़ डालिए। हल्का सा हाथ घुमाएंगे और फिर पापड़ को इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से पापड़ बन गया है। अगला पापड़ मैं आपको बिना मशीन के बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये प्लास्टिक ले ली है, इसके ऊपर इस तरह से लोया रख लिया और ऊपर से हम एक और प्लास्टिक ढकेंगे, इसे हल्का सा दबाएंगे, और ये मैंने एक प्लेट ली है और इससे हम दबाकर पापड़ बना लेंगे। आप देख सकते हैं पापड़ बहुत ही अच्छे से बन गया है। इस पापड़ को भी हम इसी तरह से निकालेंगे। ये प्लास्टिक हमने हटाई और इसके ऊपर ये पापड़ डाल देंगे, हल्का सा हाथ घुमाएंगे और पापड़ हमारा बनकर तैयार है। सारे पापड़ हमें इसी तरह से बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पापड़ बना लिए हैं। पापड़ मैंने धूप में बनाए हैं छत पर। अभी पापड़ हम धूप में 2 घंटे तक सुखाएंगे और इसके बाद इन्हें पलटेंगे और पूरे दिन की धूप में इसे सुखा लेंगे। एक दिन में ही पापड़ बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। अगर आप पंखे की हवा में सुखा रहे हैं तो फिर 3 घंटे के बाद इन्हें पलटिए। अभी मैंने पापड़ की कई सारी रेसिपी शेयर की है, जैसे कलरफुल साबूदाना पापड़, साबूदाना की इमरती, इसे मैंने बगैर साबूदाना को पकाए हुए बनाया है और बिना मशीन के बनाया है, ये टमाटर की कुड़लई और टमाटर के पापड़, चावल के पापड़, पोहा पापड़, कलरफुल चावल के चिप्स, साथ में ही आलू के पापड़, मक्का के पापड़, मैदा पापड़। इन रेसिपी को भी काफ़ी पसंद किया गया है, लिंक साथ में ही दे रही हूँ, इन्हें भी आप ज़रूर देखिए। आलू के पापड़ सूख चुके हैं और ये एक दिन में ही बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तेल मैंने गरम कर लिया है तो अब मैं इन्हें डीप फ्राई करके दिखा देती हूँ। देखिए पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट खस्ता और कुरकुरे बने हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा देर तलने की ज़रूरत नहीं है, बस डालना है, पलटना है और निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छे से आया है। पापड़ मैं आपको यहाँ पर तोड़कर दिखा रही हूँ, बहुत ही खस्ता और कुरकुरा बना है।
आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और भी इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।